अस्सलाम वालेकुम जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत वेलकम आज के व्लॉग में। आज हम अपने इधर ननिहाल आए हैं, भाई इब्रार को लेना है यहाँ से, फिर आगे जाना है। हमने बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक बाग ढूंढा है। मैंने भाई इब्रार के ज़िम्मे लगाया हुआ था कि यहाँ पे ना पास अगर कोई बाग हो अमरूद का तो मैंने विज़िट करना है और साथ साथ एक अच्छी सी वीडियो भी बनानी है। तो वो भाई इब्रार ने ढूँढ लिया हुआ है, उनसे फिर इजाज़त ली है। आज हमने जाना है उनके पास, बाग देखना है उनका, और फिर वहाँ पे ज़रा आसपास घूम भी लेंगे और फिर उसके बाद घर चलेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, साथ साथ एंजॉय करते हैं, व्लॉग भी बनाते हैं। अच्छा जी, हम रवाना होने लगे हैं। मेरे साथ है जवाद और भाई इब्रार, ठीक है। अब ज़रा सा मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो हमारी गांव की हवेली है वो किस तरह की है, वो ज़रा दिखा देता हूँ आपको और फिर हम चलते हैं इंशाल्लाह। ये जी सारी लकड़ियाँ हैं जो यहाँ पे, क्योंकि गैस तो होता नहीं है तो हर डेरे पे ना वो अपनी लकड़ियाँ जमा करते हैं जो इस्तेमाल करते हैं। और ये मस्जिद है, क्योंकि देहात में मस्जिदें तो होती हैं दूर दूर और घर भी बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो हर डेरे वाले की अपनी मस्जिद होती है यहाँ पे। फिर ये है जी घर अंदर की तरफ, यहाँ पे ना अंदर की तरफ डेरा घर है जो फैमिलीज रहती हैं। ये बाहर जहाँ पे जानवर वगैरह और ये सारी चीज़ें, यहाँ पे ये घास वाली मशीन, ये बचपन से इधर है, जब मैं छोटे होते थे हम तब जब गांव आते थे तब। अच्छा भाई ब्रार, अब तो वैसे ये ना पीटर इंजन लग गए हैं, तब हाथ से सिर्फ चलाते थे, ये वाली साइड होती नहीं थी, सिर्फ ये बस, हाँ इसको हाथ से चलाते थे। और वो किधर है, अब नहीं चलता ये हाथ से? चलता है, क्यों नहीं चलता इसका, वो ज़रा कोई हैंडल वगैरह होता है शायद। तो चलें जी, चलते हैं, जो चलें रवाना हो, चलो आ जाओ भाई ब्रार, चलें। अच्छा जी, बाग के अंदर आ गए हैं, बड़ा ही खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत बड़ा सारा बाग है ये। और भाई इब्रार की मेहनत है कि उन्होंने ढूंढ लिया। हमारे ना आसपास यहाँ पे अमरूद के बाग होते नहीं हैं, मौसमी और किनू इन सब चीज़ों के, माल्टों वगैरह के बाग होते हैं, अमरूद के बाग नहीं होते। तो मैंने इनसे कहा था, इन्होंने फाइनली ढूंढ लिया और उनसे इजाज़त लेके आ गए अंदर। आओ जाओ चले अंदर, चलो जी। हर तरफ अमरूद लगे ना, उस भाई ने, हमने उनसे कहा था कि तोड़ेंगे नहीं, हम बस देख के आ जाएंगे। तो मैंने जवाब से कहा है कि तोड़ते नहीं हैं, बस एक दो खा लेते हैं। लख दी लानत तेरे मुंह ते। सुनाओ जवाब कैसा लगा? इधर तो तरबूज भी है। तो भाई इब्रार, वो वाला मुझे अच्छा लग रहा है, वो वाला तोड़ना जरा। ज्यादा तो नहीं है, हम आगे जाने की याद नहीं है। नहीं है, ये उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रहा है। आज हमने ना वैसे जाना कहीं और था, हमारा प्लान बना हुआ था सुबह ना कि कहीं जाना है, कल इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मुझे बड़ा शौक था वहाँ जाने का, फिर अब भाई इब्रार को इजाज़त मिल गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आ जाओ, इजाज़त मिल गई है बाग में जाने की और उनसे मेरी बात हो गई है मालिक से। मैंने कहा चलो सही है, इधर चल लेते हैं, पहले चल के ज़रा बाग घूम लेते हैं। बड़ा मुझे सोचता था मैं कि इस तरह बाग में जाएँ और अमरूद खुद हाथ से तोड़ के बंदा खाए, कितना मज़ा आता होगा। मुझे तो ज़्यादा वैसे इन चीज़ों का नहीं पता लगता। अभी मुझे भाई इब्रार गाइड कर रहे थे, वो मुझे बता रहे थे कि ये जो अमरूदों का बाग है ना, इसमें वो बीज बोया हुआ है उन्होंने कि 12 महीने यहाँ पे ना अमरूद लगते हैं, सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों अमरूद वगैरह लगते हैं। और ये लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा इससे कमाते हैं, इस बाग से ना। जवाद ये क्या कर रहे हो? अमरूद के साथ जादी मालिक ने देख लिया ना। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखते हैं। चलो जी वापसी जा रहे हैं अब हम ना, इस तरफ से कहाँ से बाहर की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा शाम सा माहौल हो रहा है यहाँ पे ना, तो अब सोच रहे हैं कि बाहर ही चलें, यहाँ पे ना अब यहाँ ना रुके, बस हवा निकल गई, बाहर ही चलें, बाहर जाके कुछ खा पी के फिर हम घर चले जाएंगे।
खरीद लिए हैं इन्होंने, तो चलें जवाद। ट्यूबवेल पे आ गए हम, वो गए हुए हैं धोने के लिए। जो वहाँ से हमने तोड़ के खाए थे वो तो हमने नहीं धोए थे क्योंकि वो फ्रेश थे, बाग के अंदर ही लगे हुए थे। यहाँ पे ज़रा मिट्टी वगैरह, रोड से बाइक्स वगैरह गुजर रही होती हैं, तो फिर हमने सोचा ये धो लेते हैं। ठीक है जी। Six and a half hours later. बड़ा मजा है आज हमें ना बाग में जाने का, बाग देखने का। मैंने भी देखा है, आप लोगों को भी दिखाया। इंशाल्लाह आप जा रहे हैं घर क्योंकि शाम हो गई हुई है काफ़ी। भाई ब्रार को छोड़ना है, फिर हमने अपने घर जाना है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम सबको। अस्सलाम वालेकुम।